थी? काफी बेसब्र है आप, एक ड्रिंक तो हो जाए मिस्टर, तो बातें कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो जाए। मेरा नाम मोनिका है और आपका? मैं मिस्टर राहुल मल्होत्रा की गेस्ट हूँ, रूम नंबर 203। वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका नाम मालूम? मोनिका। मोनिका क्या? सिर्फ मोनिका। वन सेकेंड, आई जस्ट कॉल। मिस्टर राहुल मल्होत्रा आपके लिए गेस्ट हैं। मिस मोनिका। यस सर। रूम नंबर 203, सेकेंड फ्लोर। ललित चल बाय। हाँ सुन लिंडा, ये एक नए गेस्ट ने चेक इन किया है ना, राहुल मल्होत्रा फ्रॉम सूरत। हाँ, चेक इन के बाद एक फीमेल गई थी उसके रूम में, गेस्ट। तो इसमें नया क्या है? चल बाय। चल बाय। क्या हुआ सर? ये दिखने बंटी, तब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। सर मैं सुबह सफाई के लिए आई थी, बहुत बार बेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं, मुझे लगा सो रहे होंगे। लेकिन माला 10 बजे का चेकआउट टाइम था इनका, अब तो 11 बजने का है, दरवाजा खुल जाना चाहिए था अब तक। तो लगता है कुछ गड़बड़ है, दरवाजा खोल के देखना होगा। सर, सीसीटीवी फुटेज। झिझक रही है, लेफ्ट राइट देख रही है। यस सर। शायद इस होटल में पहली बार आई हो। मैम मैंने पहले कभी होटल में इस मोनिका को नहीं देखा था। पक्का? 100% तो नहीं कह सकती, अक्सर ऐसे गेस्ट हैवी मेकअप और विग्स पहनते हैं। तो इसका मतलब हिल्डा तुम्हारे होटल में इस तरह की फीमेल गेस्ट आती रहती है? एक्चुअली मैम वो हिल्डा तुम जानती हो ना, ये इलीगल है। मैम मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने कुछ नहीं। तुम्हें कुछ करना भी नहीं, तुम सिर्फ उन सभी लड़कियों की डिटेल्स दो जो तुम्हारे होटल में रेगुलरली आती जाती रहती है। जी। थ्रू आउट नीचे अपने फोन की तरफ देख रहा है, सीसीटीवी अवॉइड कर रहा है। आईडी क्या दी थी इसने रिसेप्शन पे? थैंक यू सर, प्लीज साइन कर दीजिए। सर रूम नंबर 203, सेकेंड फ्लोर, लिफ्ट से राइट, सेकेंड रूम है सर। थैंक्स। थैंक यू। बुकलेट ड्राइविंग लाइसेंस है सर, राहुल मल्होत्रा नाम है लाइसेंस पर, सूरत का एड्रेस है। सर मैंने इस लाइसेंस को वेरीफाई करने के लिए सूरत आरटीओ ऑफिस भेज दिया। होटल से कोई नंबर मिला? सर होटल फॉर्म पे जो नंबर दिया गया है वो नंबर फर्जी है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। अगर नंबर फर्जी है तो फिर हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी। Thank you.
आदमी ने चेक इन किया, फिर अपने रूम में गया, उसके थोड़ी देर बाद वो होटल बार में गया, वहां वो औरत उसे मिली, उसके थोड़ी देर बाद वो वापस अपने रूम में आया और उसके 10 मिनट बाद वो औरत उसके रूम में। हाँ सर, और उसके बाद अगले दिन। हाँ मैम, पूरे वक्त नीचे सेलफोन की तरफ देखकर बात कर रहा था मैडम, वाकई में मैंने उसका फेस ठीक से नहीं देखा। ललित, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे और इस राहुल मल्होत्रा के बीच में बातचीत हुई है। क्या बात हुई थी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस जॉब सर। लेफ्ट साइड अवर्ट कीजिएगा सर, थोड़ा काम चल रहा है। फिर ललित क्लीनिंग स्टाफ के साथ ऊपर रूम में गया और हमें फोन किया। ये लास्ट क्लिप थी सर। रूम में शराब और खाना ऑर्डर हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी वेटर ने डिलीवर किया होगा। ये सब होटल स्टाफ से पता लगाती हूँ और इस रेड आर्च होटल में आने वाली बाकी लड़कियों से भी बात करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने नंबर्स दिए हैं। अब देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। कल पड़े मौत गला कटने से हुई है, रात के तकरीबन 3 और 4 के बीच। डॉक्टर, इसकी दोनों कलाइयां भी काटी गई हैं। हाँ, किसी बेहद धार वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ, मानो कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर, क्या कातिल का मेडिकल बैकग्राउंड हो सकता है? पॉसिबल है, पर यह हत्यारा निहायती विकृत इंसान है। हत्या के बाद लाश के साथ अननेचुरल सेक्स और कॉन्डम यूज किया गया। विक्टिम शायद एक सेक्स वर्कर रही होगी, मे बी इसकी पहली मीटिंग रही हो। विक्टिम की आंखों पर स्कार्फ, इसके हाथों में हथकड़ी, शायद किलर खुद लाया था। या ये भी हो सकता है कि ये सेक्स वर्कर ये सब खुद अपने साथ लाई अपने क्लाइंट की अजीबोगरीब डिमांड पूरी करने के लिए। जैसा भी हो, पर आपका मुजरिम एक पढ़ा लिखा मेडिकल बैकग्राउंड वाला शातिर और विकृत साइकोपैथ मालूम होता है। अज्ञात औरतों को शिकार बनाने वाले साइकोपैथ इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा साबित होते हैं। जुर्म का मकसद अक्सर एक बीमार दिमाग की कल्पना में छुपा होता है और अक्सर ऐसे हत्यारों की कोई हिस्ट्री नहीं, इनका कोई गैंग नहीं होता, पर इनकी मोडस ऑपरेंडी काफी शातिर होती है। लेकिन सवाल यह था कि 26 अगस्त की रात को मुंबई के होटल रेड आर्क में हुई भयंकर हत्या क्या वाकई में एक साइको का काम था? बंटी, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तू रूम नंबर 203 में खाना और शराब लेके गया था? मैडम, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं और वो मैनेजर ने भी नहीं बोला कि आपको बताने का है ऐसा कुछ करके। अब मैं पूछ रही, क्या देखा तूने रूम? कुछ खास नहीं मैडम। एक लड़की का मर्डर हुआ है, सब खास है, बोल। दो प्लेट बिरयानी, एक विस्की की बोतल और एक सोडा मंगवाया था साहब ने। मैडम, और कुछ लगेगा? किचन क्लोज होने वाला है। नहीं, तुम जाओ और सुबह तक डिस्टर्ब मत करना। सुना तुमने? जी मैडम। जाओ, जाओ यहां से और सुबह तक बेल मत बजाना। उस मैडम ने मुझे 200 रुपए टिप दिए और बोला कुछ चाहिए होगा तो बताएंगी, फिर मुझे गुड नाइट बोला, फिर मैंने भी उनको गुड नाइट बोला और वहां से निकल गया। तूने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। ध्यान ही नहीं दिया मैडम। सर, फोटो में तो खाली दाढ़ी दाढ़ी दिख रही है, इसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। वो तू मुझे दिखाएगा? जी। हम साइको इंस्टीट्यूटर खंगाल रहे, तू पता कर शहर में कोई नया सिर पर आया क्या। जी सर। स्कैल्पल, रवि स्कैल्पल, कहाँ खोए हुए रहते हो? ओटी में हो तुम? डैम इट। सॉरी डॉक्टर, हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ऐसे बार बार आने की जरूरत नहीं। तुम, आपने मेरे दीदी के हस्बैंड से बात की? हम काम कर रहे हैं मनसुख। क्या काम कर रहे हैं? मैं कब से आपसे बोल रहा हूँ कि उनके हस्बैंड से पूछताछ कीजिए, आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपने बात की है या नहीं की? मुझे याद है इसका चेहरा, नहीं थी पहले से यहाँ, कभी देखा नहीं, हमारे ग्रुप की नहीं थी। तुमने ऐसे किसी आदमी को होटल में नोटिस किया था क्या जिसने हुडी पहनी थी?
ध्यान नहीं दिया। वैसे भी हमारे लिए तो सारे आदमी इस तस्वीर की तरह होते हैं, एकदम धुंधले। मैं इतना कह सकती हूँ कि वो लड़की नई थी इस लाइन में। छोटी ड्रेस पहन के टांगे कौन छुपाते हैं? हिल्डा। यस मैम। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम लोगों ने हमें ना बताई हो? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये कैसे नहीं बताया कि रात को उस राहुल और मोनिका ने अपने रूम में खाना और शराब मंगाई थी? मैं ड्यूटी पर नहीं थी ना मैम। तुम लोग करते रहो मेरी ड्यूटी और उसकी ड्यूटी, पर हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे और तुम सबको चार्जशीट में घसीटेंगे, उसके बाद तुम सबकी वाट लगेगी, समझी? कहना चाहती हूँ? नहीं मैडम। हाँ मैडम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पुलिस अभी केस के सारे एंगल्स खंगालने में लगी हुई थी और इसी बीच जब तक वो अपने मेन सस्पेक्ट बंटी तक पहुंचे वो फरार हो चुका था। ये बंटी कहाँ गया है? मालूम नहीं मैडम, एक बैग भर के गया है कुछ 20 मिनट पहले। क्यों, क्या हुआ मैडम? सर, वेटर बंटी की खोली से उसके फोन का इंस्ट्रूमेंट मिला, सिम वो लेके गया है जो कि अभी भी ऑफ है। बाकी उसके यहाँ से कुछ भी नहीं मिला सर। माला तुम बोलो। सर वो बंटी बहुत बेकार था सर, गंदा लड़का। ले आओ। सर एक बार तो वो पकड़ा भी गया था और हमारे मैनेजर से अच्छी खासी डांट पड़ी थी उसको, लेकिन कुत्ते की दुम नहीं सुधरा वो। बंटी ने उस रात भी कुछ किया था माला? ए बंटी, तू फिर से ये बद्धी हरकतें कर रहा है? ए, तेरी वीडियो तो नहीं उतारी ना बुड्ढी, चल निकल यहां से, हवा रहे थोड़ी। और सुन, अगर किसी से शिकायत की ना तो किसी दिन काट डालूंगा। माला तुम्हें लगता है बंटी ने रूम नंबर 203 में भी वीडियो बनाया था? सर निकला तो वहीं से था वो। मैडम डिनर। सर जब मैंने बंटी से क्वेश्चन किया तो जाहिर सी बात है उसने नहीं बताया अपनी इस लत के बारे में, और शायद कल रात को जब मैं माला से बात कर रही थी होटल में तब उसने देख लिया हो और भाग निकला। और तुम कह रही हो कि होटल वालों के पास उसका सही एड्रेस तक नहीं है? यस सर, नहीं है। यहाँ वहां से पूछ के मैंने उसका एड्रेस निकलवाया, तब तक काफी देर हो गई। दोनों रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, सारा स्टाफ, सबकी जम के क्लास लेके होटल चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? फिर मिले हुए हैं सबके साथ? रेड आर्क होटल के पूरे स्टाफ से कड़ी पूछताछ की गई पर किसी भी स्टाफ के पास वेटर बंटी की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। रेड आर्क होटल में वेश्यावृत्ति करने वाली सारी लड़कियों से भी पूछताछ हुई, ना कोई विक्टिम के बारे में कुछ जानता था और ना कातिल के बारे में। शहर के उन तमाम हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाला गया जिन्होंने अतीत में अज्ञात औरतों पर, खासकर सेक्स वर्कर्स पर हमले किए थे। साथ ही पुलिस के खबरी अपने पिटारों से हर मुमकिन पैतरा अपना रहे थे, बिनाम विक्टिम, बिनाम हत्यारा और भागे हुए वेटर बंटी पर कोई भी लीड पाने के लिए।
पर इस केस पर किसी भी तरह की कोई लीड नहीं मिल पा रही थी और कत्ल को पूरा एक महीना बीत चुका था। और दूसरी ओर मुंबई से 300 किलोमीटर दूर सूरत में इस केस की अहम कड़ियां बिखरी पड़ी थी। ड्राइविंग लाइसेंस पे सूरत का एड्रेस, पूरे चांसेस हैं कि ये सूरत में बना होगा, तो हो सकता है ये कातिल भी सूरत का हो। यस सर, किसी एडल्ट डेटिंग साइट के जरिए या फिर किसी एस्कॉर्ट सर्विस के जरिए सेक्स वर्कर को मंगवाया हो, अपनी विकृति पूरी कर ली और वापस सूरत चला गया होगा। सस्पेक्ट और विक्टिम दोनों की फोटोग्राफ सूरत पुलिस हेडक्वार्टर में भिजवा दो, अपने सभी थानों में भिजवा देंगे सर। और वेटर बंटी पर क्या लीड है? बंटी के कॉल रिकॉर्ड निकाले मैंने सर, पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। फरीदा, खबरी राजू को बोलो कि वेटर बंटी के साथ साथ विक्टिम की आइडेंटिटी की लीड पता करने पर भी लग जाए। राइट सर। पूरा एक महीना हो गया मनसुख, पुलिस तेरी दीदी का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस कह रही है कि प्रफुल्ल जीजा जी से पूछताछ की। मैं कह रही हूँ प्रफुल्ल जिम्मेदार नहीं है, वो तेरी बहन में ही था। तूने बाकी सब कुछ पुलिस को बता दिया? वो बहुत पहले का था मम्मी। राहुल इंद्र मल्होत्रा की लाइसेंस कॉपी की डिटेल के बारे में जानना था मुझे। ये रिक्वेस्ट मैंने काफी पहले डाली थी, 4 हफ्ते हो चुके हैं। वो 2002 के पहले का रजिस्ट्रेशन है ना? बुकलेट लाइसेंस, इसलिए ऑनलाइन नहीं मिला मैडम। हजारों फाइलों में से ढूंढकर हमने इसे निकाला है, इसलिए थोड़ा वक्त लगा। इस राहुल इंद्र मल्होत्रा ने जो एड्रेस डाला है 13/9 केसरबाग, इस एड्रेस पे हरिओम रावल रहता है, जिसके नाम पे ये लाइसेंस 17 साल पहले बना था, तब ये हरिओम 18 साल का था। आप इसकी एक कॉपी मुझे फैक्स कर दीजिए। नमस्ते मैडम, मैं मन्नू, वो राजू खबरी ने आपकी हेल्प करने के लिए भेजा है। राजू ने पूरा केस समझा दिया ना? हाँ मैडम, ए टू जेड। मैडम ये दाढ़ी वाले की फोटो मैंने मेरे लड़के लोग में बांट दी है। चल आजा, बैठ जा। उस दाढ़ी वाले का नकली एड्रेस मिल गया है केसरबाग पास में ही है सर। भाई साहब आगे से एक लेफ्ट आएगा, वहां से सीधा सीधा। हीरा पटा नो हीरा सर। ठीक है बन्नू, तब तक आसपास तू ये फोटो घुमा। ठीक है? ठीक है सर। जी हरिओम रावल। हाँ ये आप हैं? ये तो मेरी बचपन की फोटो है, लेकिन हुआ क्या है? आप लोग है कौन? साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन भाभी के बिना ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तो खाली यही 2 सब्जी बनाने को आती, वो भी भाभी ने ही सिखाया है। साहब भाभी कहाँ चली गई? क्या पता बाबू, खुद चली गई है या फिर, सोचता हूं तो मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है। और वो उसका भाई मनसुख, वो मेरे ऊपर शक कर रहा है, पुलिस को मेरा नाम बता रहा है वो। ये ले जाओ, मैं दुकान जा रहा हूं। राहुल इंदर मल्होत्रा? नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। और ये? नहीं नहीं मैम, नहीं जानता हूं मैडम इसे। वैसे ये तस्वीर इतनी साफ भी नहीं कि मैं अच्छी तरह पहचान सकूं इसे। अच्छे से याद करके बताओ,
आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी के हाथ में दिया था? किसी बैंक में, किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी फॉर्म के साथ? नहीं सर। सर वैसे ये इंदर मल्होत्रा है कौन जिसने मेरे लाइसेंस से फर्जी लाइसेंस बनवाया? ये वही है जिसने मुंबई में एक बहुत ही क्रूरता से हत्या की। क्या? सर सर मैंने पूरे मोहल्ले में राउंड मार लिया और सबको सीसीटीवी वाला फोटो दिखाया, मगर किसी को पता नहीं है कि ये दाढ़ी वाला इंसान है कौन। फोटो भी तो ऐसी है। सर सूरत पुलिस के न्यू मार्केट थाने से मैसेज आया है, एक औरत की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी। इसकी फोटो हमारी विक्टिम से मैच होती है सर। कौन है ये? कोई जिग्ना पटेल, इसका एड्रेस भी सेंड किया। यस यही है। कातिल की खोज में सूरत आई पुलिस को आखिरकार विक्टिम का पता मिल गया था। क्या अब कातिल का पता चलने वाला था? या कातिल वाकई में कोई साइकोपैथ था? या फिर इस केस की हकीकत कुछ और ही थी? ये जिग्ना है हमारी दीदी। ये मुंबई में क्या कर रही है? पिछले एक महीने से गायब है। मैंने यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई थी और वो लोग बोल रहे हैं कि तलाश जारी है। आपको मिली क्या दीदी, बताइए। छब्बीस अगस्त की रात तुम कहां थे? यही था सर, सूरत पे अपने घर में। मंसूर का कहना है कि दो महीने पहले यानी कत्ल के एक महीना पहले जिग्ना तुम्हारे साथ लड़के अपने मैके चली गई थी। झगड़ा किस बात पे हुआ था? शादी के बाद पहले दो तीन महीने सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जिग्ना बदल सी गई थी। क्या बात है? तुम ही बताओ जिग्ना, क्या बात है? इस वक्त क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बिना सोच के बताओ तुरंत। मैं ये सोच रही थी तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। घूर नहीं रहा था, प्यार से देख रहा था। यही सोच रहा था कि कितने दिन हुए हमने कुछ किया ही नहीं है। मेरे छूने से तुम्हें घिन आती है? ड्रामा मत करो, मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द? पिछले तीन महीने से सर में दर्द है तुम्हारे। नहीं है मूड मेरा। लेकिन क्यों? अभी अभी शादी हुई है ना हमारी। शादी हो गई है तो क्या लाइसेंस मिल गया है? खरीद लिया है मुझे कि जब चाहो मजे कर लो, सेक्स वर्कर समझ लूंगा। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने उसे कई बार कॉल किया, माफी मांगी, घर लौटने को भी कहा, हम फिर एक बार बाहर मिले भी। मेरे पापा मेरी माँ पे हाथ उठाया करते थे, मैं नफरत करती थी उनसे। मैं फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, हाथ जोड़ता हूँ जिग्ना, I'm sorry, प्लीज घर लौट आओ। देखो हम सब नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। तो घर आके भी कह सकती हो ना, आज ही लौट आओ प्लीज। नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो बात भी बताऊंगी। जिग्ना ने तुमसे कहा कि उसे तुमसे कोई जरूरी बात कहनी है, क्या बात थी वो जो वो तुमसे कहना चाहती थी? वो बात कभी हुई नहीं सर, उस दिन वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर 28 अगस्त को मनसूख का मुझे कॉल आया। बोल मनसुख। नहीं, तेरी दीदी तो घर नहीं आई, बात क्या है? क्या परसों जिग्ना ये कहकर गई थी कि वो मेरे घर आ रही है? जिग्ना का भाई मनसुख तो यही कह रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है सर, उसने मुझे फोन तक नहीं किया। सर जब दीदी इनसे लड़कर आई थी तो घर में काफी हंगामा हुआ था। अरे एक थप्पड़ मारा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, ये तुम कह रही हो मम्मी पूरी जिंदगी पिटने के बाद? बकवास मत कर, वो तेरे और मेरे पापा के बीच की बात समझी, कम से कम तेरे जैसे मुंह तो काला नहीं किया ना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है रवि के साथ। तो क्या रवि के बारे में प्रफुल्ल को बताया या मैं बताऊं? अरे नहीं मम्मी, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? प्रफुल्ल जीजा जी को दीदी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, दीदी ने कुछ गलत नहीं किया है। गलत किया है,
शादी के पहले ही रवि के बारे में प्रफुल्ल को बताना चाहिए था, और अब तो बताना ही चाहिए जब वो लौट आया। ये रवि कौन है? वो सर शादी से काफी पहले की बात थी, दीदी इस रवि को लेकर सीरियस थी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। क्या जिग्ना ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, और ना ही तुम लोगों ने? बताने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन तुमने अभी भी बताया कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि रवि लौट आया है, तो क्या रवि और जिग्ना फिर से मिलने लगे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ रहता है रवि और काम क्या करता है? हाँ मैं वेट कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट फ्लाइट की डिटेल्स निकाल के दो। ये रवि नर्स है? जी सर, मेल नर्स है, ऐसा दीदी ने बताया था, और वो डॉक्टर्स को सर्जरी वगैरह में असिस्ट करता है। कहाँ काम करता है रवि, इसका कोई घर का एड्रेस है? एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन दीदी ने बताया था कि LNC हॉस्पिटल में काम करता है। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी वाइफ मुंबई कैसे पहुंची, और ये सब हुलिया सर, ये सब क्या चल रहा था? सर 26 अगस्त शाम 7 बजे जिग्ना फ्लाइट नंबर AS201 से मुंबई गई थी, एयरलाइन ने बुकिंग डिटेल भेजी है। सर लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया था जिग्ना ने मुंबई के बारे में, और हमें दीदी ने बोला था कि वो अपने घर वापस प्रफुल्ल के पास जा रही हैं। कहाँ जा रही हो दीदी? मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मेरी प्रफुल्ल के साथ सुलह हो गई है। इससे अच्छी खबर तो सालों में नहीं सुनी मैंने। बाकी का सामान मनसुख के हाथ भिजवा दूँ? नहीं, 2-3 दिन बाद मैं खुद आकर लेके जाऊंगी। चलती हूँ, बाय। और एयरपोर्ट से सीधा रेड आर्च होटल पहुंची होगी, पर सवाल यह है कि क्यों, और वो भी एक एस्कॉर्ट के रूप में। माजरा क्या है? केस के पत्ते अब खुलने लगे थे और छिपे कई राज बाहर आने लगे थे, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। जिग्ना और उसके एक्स बॉयफ्रेंड रवि देसाई के बीच में आखिर क्या चल रहा था? जिग्ना बिना किसी को बताए मुंबई क्यों गई थी, और क्या जिग्ना की हत्या के पीछे रवि का हाथ था, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और ही कहानी थी जो अब तक राज बनी हुई थी? क्या बकवास कर रहे हैं, मैं जिग्ना को क्यों मारूंगा, प्यार करता था उससे। सुबह 8 बजे इसने एक सर्जरी करनी थी, और सुबह 4 बजे ही हमें घर का कमरे ठेके से। मैं अपनी शिफ्ट कैंसिल करने वाला था, इतना पीकर बिना सोए सर्जरी में जाऊंगा, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। बेवकूफ नहीं है तू, बल्कि बेहद शातिर है। पहले ये बता जिग्ना से कैसे मिला था? जिग्ना की शादी के 1 साल पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाँ, और हम उससे भी पहले मिले थे, 4 साल पहले, यहाँ नहीं मेहसाना में। मेहसाना में क्या था? जिग्ना अपने मम्मी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने आई थी, वो लोग वहीं रहते थे, मैं भी वहीं रहता था। फर्स्ट क्लास गई सर्जरी, अब आपकी मॉम फुटबॉल खेल सकती है। बस वो ठीक से चल फिर सके वही बहुत है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहिए। ये अर्थराइटिस विरासत में मिलता है, आप अभी से कह लो, कैल्शियम लो, वॉक पे जाओ, ख्याल रखो अपना। मैं भी अपनी मॉम को रोज सुबह लेके जाता हूँ वॉक पे। That's so sweet. रवि, जिग्ना, 3 साल हमारा रिश्ता रहा, सीरियस था। तो फिर टूटा क्यों? जिग्ना के बाबूजी की डेथ हो गई थी, उसकी माँ उसकी तुरंत शादी करना चाहती थी, पर उस वक्त मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। तो मेहसाना से सिर्फ तुम मुझे ये कहना आया हो कि मुझसे शादी नहीं कर सकते, फोन पे कह देते ना। मेरी USA में जॉब लग सकती है, मेल नर्सेस की बहुत शॉर्टेज है वहाँ पे, मेरी लाइफ का एम्बिशन रहा है USA जाना। और अगर मेल नर्स शादीशुदा हो तो उसे USA में एंट्री नहीं मिलती, ऐसा कोई रूल है? अगर अमेरिकन लड़के से शादी हो तो वीज़ा तुरंत लगता, मेरे दूर के रिश्तेदार वहाँ पे सिटीजन है, उनकी बेटी है। ओह, मेरी पूरी फैमिली की तकदीर बदल जाएगी जिग्ना। मेरी तकदीर तो अभी अभी बदल गई रवि। सॉरी, मैं 1 साल से जिग्ना के टच में नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी शादीवादी हो गई। 1 साल के बाद मेरी यहाँ LNC हॉस्पिटल सूरत में पोस्टिंग हुई, उसको मैंने यहीं पे देखा, अपनी माँ को दिखाने आई। USA का क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? जैसे तैसे करके US पहुँच तो गया, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरी जॉब नहीं लग रही थी, और पिंकी के साथ भी कुछ जम नहीं रहा था, इसलिए वापस आना पड़ा। ओह
सॉरी, वैसे मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। लेकिन ये बात मुझसे हजम ही नहीं हुई। और तुम दोनों का फिर से अफेयर शुरू हो गया? नहीं, मैं पीने लगा। तुमने दिन में पी रखी है रवि, क्या कर रहे हो? जो जॉब यहाँ सूरत एलएनसी में लगी है ना, वो भी छूट जाएगी। सबसे तुम छूट गई हो ना, सब छूट गया। मुझे सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता। थप्पड़ खाओगे, फालतू बात मत करो, संभालो अपने आप को, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, पीना छोड़ो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, समझे? इतना ही हुआ था हमारे बीच? नहीं, जिग्ना मुंबई गई, तू मुंबई गया? जी नहीं, मैं मुंबई नहीं गया था। तो फिर 26 अगस्त की रात को तू कहां था, किसके साथ था? 26 अगस्त कहां था? हाँ मैम, ये दोनों तो मुझे अच्छी तरह से याद हैं। ओम नमः। बाबा बोलो बेटा, मुझे आपको कुछ बताना है। सब उस औरत के मर्डर मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। तब फिर तेरे पैर क्यों भाग खड़े हुए राजा? मुंबई से डायरेक्ट कोंकण ऐसे ही टाइम पास के लिए? और क्या क्या करता है तू टाइम पास के लिए? याद आया कुछ, कहाँ था 26 अगस्त की रात को? सर बस मुझे इतना याद है, मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। गलत, उस रात तूने जिग्ना को मुंबई भेजा बाय फ्लाइट, तू खुद भी गया बाय रोड, फिर मुंबई के मलाड एरिया के रेड आर्ट होटल में गए तुम दोनों। उस होटल के रूम नंबर 203 में तूने जिग्ना का मर्डर किया, फिर उसकी लाश के साथ रेप किया। बता तूने हरिओम रावल के लाइसेंस की फर्जी कॉपी कैसे बनाई? सर मैं किसी हरिओम रावल को नहीं जानता। तूने मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की फर्जी कॉपी बनाई? क्यों? मुझे आपकी गाड़ी ले जानी थी घुमाने। बोल किसने की थी मदद तेरी? किसी ने नहीं। ये चिकना का मुंबई में एस्कॉर्ट बनने का क्या माजरा था? तू उसे धंधे पर बैठाने की सोच रहा था? जिगना मुंबई क्यों आई थी सुलिए में? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों वो भी मेरे साथ रूम में? आप लोगों ने होमवर्क ठीक नहीं किया है, पता नहीं उसके और मेरी आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था। रवि, ये हमारी आखिरी मीटिंग है, मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी, मेरी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है। एक दोस्त होने के नाते मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया तुम्हें सहारा देकर, अब तुम खुद संभालो, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं देखो, तुम्हें अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे छोड़ के मत जाओ, पुरानी क्वेश्चन मेंटेन कर सकते हैं। इतनी जोर से मारा था, सोचा नहीं था किसी लड़की में इतनी ताकत हो सकती है। बहुत होती है मिस्टर। अच्छा ये बताओ, और कुछ हुआ था उस दिन? एक और आदमी था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था, अभी याद आया। कौन आदमी? यही था। हेलो। हेलो मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मेरा लाइसेंस मिसयूज हुआ है। मेरे अपने बेटे ने मेरी लाइसेंस की कॉपी बनाई थी फर्जी, जाली लाइसेंस बनाने के लिए। कहाँ से बनवाई थी? उसकी स्कूल के पास कोई दुकान है, प्रफुल स्टेशनरी। क्या हुआ था आपको? क्या कह रहे हो सर देसाई? वो साहब, इस बंटी ने कत्ल की रात 203 का वीडियो बनाया था, मेरे हाथ में इस वक्त। ठीक है, वो वीडियो तुरंत भेजो मुझे, क्विक। मैम
मैडम और कुछ लगेगा? किचन क्लोज होने वाला है। नहीं तुम जाओ। ठीक है वो वीडियो तुरंत भेजो मुझे क्विक। मैडम स्केलपेल तो ये भी बेचता है। प्रफुल्ल पटेल तुम बच्चों की किताबें बेचने के अलावा फोटोकॉपी भी करते हो, बायोलॉजी बॉक्स भी बेचते हो जिसमें स्कैल्पल भी होता है। बाबू सच बोल, तेरी मालकिन का भयंकर तरीके से मर्डर हुआ है। ये देख। साहब, मैंने आपसे झूठ बोला कि उस रात प्रफुल्ल साहब घर पर ही थे। दरअसल शाम को वो बैग पैक करके कहीं निकल गए और अगले दिन सुबह लौटे। नमस्ते साहब। बाबू किसी ने फोन किया था, पूछा मेरे बारे में? नहीं तो साहब। मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो। हाँ ठीक है सर। नहीं तुम जाओ और सुबह तक डिस्टर्ब मत करना। घूमो प्रफुल्ल। प्रफुल्ल पटेल, सारे सीसीटीवी कैमरास को पीठ दिखा के तूने हमें धोखा दिया। अब देख तेरी पीठ नहीं तुझे पकड़वा दिया। मैं रवि के बारे में सब जानता था सर, मैं एक अरसे से पीछा कर रहा था जिग्ना का। प्रफुल्ल मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से भुला चुकी हूँ। वो मेरे लिए एक याद तक नहीं बना। देखो मैं अब तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और सेक्स सिर्फ उससे करती हूँ? नहीं, जब रिश्ता था तुम्हारा सेक्स होता था ना? सीरियस रिलेशन था और हाँ सेक्स भी होता था। जिग्ना तुम पहली औरत हो मेरी लाइफ में, मेरे लिए सब कुछ तुम ही थी। अब भी हो प्रफुल्ल, तुमने जो देखा वो कुछ भी नहीं था। अब कैसे समझाऊं तुम्हें, रवि अचानक से मेरी लाइफ में वापस लौट आया, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम जिग्ना। उसके बाद मैंने उसे फोन पे बहुत पटाया, माफी मांगी, तब जाके वो मुझसे मिलने आई। प्रफुल्ल मैं चाहती हूँ हम दोनों सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से शुरू करें, और तुम मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाओगे और रवि को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। नहीं करूंगा, प्रॉमिस। जिन्ना मैं भी नए सिरे से हमारा रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी विश है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। क्या? देखो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में खासकर बेडरूम में काफी टेंशन सा रहा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जिग्ना मुझे मेरी एक सीक्रेट फैंटेसी पूरी करनी है। कोई सुनेगा तो गलत लगेगा, लेकिन ऐसी कौन सी फैंटेसी है, मैं भी तो सुनूं। मुझे रोल प्ले करना है। कैसा रोल प्ले? जैसा हम दोनों किसी अलग शहर में अजनबी बन के मिले, तुम ग्लैमरस कॉल गर्ल हो और मैं स्टाइलिश क्लाइंट। लगता है मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जिग्ना प्लीज, मुझे सिर्फ ये एक फैंटेसी पूरी करनी है। देखो एक बार हमारी फैमिली शुरू हो जाएगी ना तो ये सब हो नहीं पाएगा। प्लीज ना मत कर प्लीज। प्रफुल्ल मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और अगर तुम्हें इससे खुशी मिलेगी तो वाई नॉट। हम प्यार करने वाले पति पत्नी हैं, हमारे बीच में सब जायज है। हमने तय किया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम मुंबई जा रहे हैं। प्लान के हिसाब से जिग्ना फ्लाइट से मुंबई पहुंच गई, मैंने उसे होटल का नाम बता रखा था और मैंने हरिओम रावल की ड्राइविंग लाइसेंस की फर्जी कॉपी बना रखी थी। जिग्ना फ्लाइट से पहले पहुंच गई और मैं बाय रोड राहुल मल्होत्रा बनकर पहुंचा। राहुल मल्होत्रा ने होटल रेड आर्च में अपनी आईडी दिखाकर रूम नंबर 203 बुक किया और होटल के बार में राहुल
लैपटॉप की कॉल गर्ल मोनिका से मिला। डील हुई पूरी रात की। रूम में भी बड़ी चालाकी से राहुल ने अपना चेहरा छुपाया। प्रफुल्ल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब ये रोल प्ले बंद करते हैं ना, प्लीज। और आगे कुछ करते हैं। राहुल ने मोनिका से अपना बदला ले लिया। रोल प्ले का दी एंड हो गया। उसकी बेवफाई की सजा उसे मिली। फिर सीसीटीवी से बचते हुए राहुल मुंबई से सूरत लौट आया बाय रोड। और फिर से राहुल प्रफुल्ल पटेल बन गया। प्रफुल्ल, तुझे अभी भी यकीन नहीं कि शादी के बाद जिग्ना का राहुल के साथ कोई गलत संबंध नहीं था? नहीं। प्रफुल्ल पर अपनी पत्नी जिग्ना के साथ बलात्कार करने और कत्ल के चार्ज लगे और मुकदमा बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जिग्ना के भाई और मां को इस बात को स्वीकार करने में समय लगेगा कि जिग्ना अब इस दुनिया में नहीं रही। और दूसरी तरफ रवि अपनी जिंदगी को यादों के शिकंजे से छुड़ाकर पटरी पर लाने की कोशिश में, साथ ही वो अपनी शराब की लत को छुड़वाने का इलाज करवा रहा है। पर शक की लत का कोई इलाज नहीं। इससे बचने का शायद सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस भयंकर रोग को अपने दिमाग में घर बनाने ही ना दिया जाए। लेकिन कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। कोई भी इंसान इस शक करने की बीमारी का शिकार हो सकता है और अपने अपने तरीके से उससे निपटता भी है, पर निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब शक का मारा कोई इंसान एक क्रिमिनल कदम उठाने की सोचता है, तो एक बार उसे उस आवेश भरी अवस्था से बाहर निकलकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि इस भयंकर कदम का अंजाम कितना भयंकर होगा, क्योंकि किसी भी सूरत में आप कानून के साथ आंख में चोरी नहीं खेल सकते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय।